राग चारुकेशी में अगर मैं ऋषभ कोमल कर दूं तो हमें राग बसंत मुखारी मिलती है जो कि साउथ इंडियन ही राग है। देखिए सारे गामा पदनी सा, ये स्वरूप हो जाएगा सा नी कोमल ध कोमल प मा ग शुद्ध है लेकिन रे कोमल सा, मतलब पूर्वांग में भैरव उत्तरांग में भैरवी और ये अंतरा बसंत मुखारी का असर दिखाता है और भैरवी में भी जाता है। अगर बसंत मुखारी में ग कोमल कर दूं तो वो कहाँ आ रहा है बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज आपके समक्ष महान म्यूजिक डायरेक्टर परम आदरणीय प्यारे लाल साहब की 81st बर्थडे पर मैं एक ट्रिब्यूट लेक्चर राग बेस्ड सॉन्ग्स ऑफ LP अर्थात लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब। जी हाँ दोस्तों, हम सब जानते हैं लेजेंडरी कंपोज़र, एक ऐसी संगीतमयी जोड़ी जिनका हम संगीत में कभी भी नाम नहीं भूल सकते और जब तक बॉलीवुड का संगीत जिंदा है दोस्तों तब तक उनका संगीत कायम रहेगा। मैं आज आपके समक्ष राग बेस्ड कंपोजिशंस जो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने की है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। कुछ संपूर्ण जाति के राग उन्होंने यूज़ किए हैं, कुछ औडव जाति के भी राग उन्होंने यूज़ किए हैं। स्टार्टिंग से मैं 1964 से लेके चलूँगा 1981 तक, सफ़र बहुत ही संगीतमयी रागमयी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये कंपोजिशंस आप कभी भी भूल नहीं सकते और उसका शास्त्रीय विवेचन के साथ आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो लेक्चर पूरा देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको LP लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से प्यार है और उनके संगीत से आपको मोह है तो आप इस लेक्चर को 100% लाइक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपोजिशन दोस्तों मैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ले रहा हूँ, जिस कंपोजिशन के लिए 1964 में उनको अवार्ड भी मिला था। मूवी आई थी दोस्तों दोस्ती, मूवी में ही दोस्ती का इतना असर है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, उस कंपोजिशन से शुरुआत करूँगा। राग जो कि प्रयोग की गई है इस गाने में, राग चारुकेशी, चारुकेशी पे कल्याण जी आनंद जी साहब की जो रचनाओं का मैंने लेक्चर प्रस्तुत किया उस पर आपने बहुत प्यार दिया, ये ज़रूर देखिएगा जिन्होंने नहीं देखा। बहरहाल ये जो गाना है, इस गीत को चारुकेशी में कितना अच्छा पिरोया गया है। अब राग चारुकेशी के स्वर दोस्तों, सारे गामा पदनी सानी दपा मांगरे सा गामा पदनी दपा दमा प मांगरे गामा पदनी सा मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। कमेंट करके बताएं कि ये रचना किन किन की फेवरेट है। बहरहाल राग चारुकेशी के स्वर कौन से यूज़ हुए हैं इस गाने में, क्या शास्त्र हैं, क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये चारुकेशी पर आधारित है। साउथ इंडियन राग है दोस्तों, मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ इस राग पर, खूब सारे गाने मैंने आपको बताए हैं। ध कोमल और नी कोमल, दो स्वर को कोमल कर दूँ बिलावल में तो हमको ये राग दोस्तों, राग चारुकेशी में अगर मैं ऋषभ कोमल कर दूँ तो हमें राग बसंत मुखारी मिलती है जो कि साउथ इंडियन ही राग है। देखिए सारे गामा पदनी सा, ये स्वरूप हो जाएगा सा नी कोमल ध कोमल प मा ग शुद्ध है लेकिन रे कोमल सा, मतलब पूर्वांग में भैरव उत्तरांग में भैरवी और ये अंतरा बसंत मुखारी का असर दिखाता है और भैरवी में भी जाता है। अगर बसंत मुखारी में ग कोमल कर दूं तो वो कहाँ आ रहा है बताता हूँ। खरा है दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या, अब देखिए सा सा नी सारे रे रे सारे रे रे सा सा गरे गरे सा सा
दर्द का रिश्ता तो फिर जुदाई क्या। वापस चारू केशी में आ रहे हैं। जुदा तो होते हैं वो खोट जिनकी चाह में है, मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, के तू कहीं भी रहे तू मेरी निगाह में है। तो ये पहली कंपोजिशन 1964 में एलपी साहब की अविस्मरणीय रचना। दूसरी रचना भी 1964 में एक मूवी थी दोस्तों, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। कहीं मेरे सब्सक्राइबर्स ने तो पकड़ लिया होगा मैं कौन से गीत की बात कर रहा हूँ। ये गीत दोस्तों किशोर दा ने गाया है, उन्हीं पर ही फिल्माया गया है दोस्तों, और राग दरबारी का असर हमको इस गीत में दोस्तों दिखता है। जी हाँ मेरे महबूब। सा नि सरे सा द नि रे गा नि सरे सा द नि प म प द नि रे गा मा रे सा द नि रे सा। देखिए आप, क्योंकि लाइट सॉन्ग है दोस्तों, गंधार का आंदोलन, धैवत का आंदोलन, अति कोमल होना, इतना हमें शास्त्रीयता इन गीतों में नहीं दिखती, वरना वो कम्प्लीटली शास्त्रीय संगीत हो जाएगा। लेकिन स्वर दरबारी के हैं, असर दरबारी का है, जो आत्मा है आपको दरबारी की दिखेगी। देखिए आप। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरें तो गिला करती है तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी। मेरे महबूब, इसका शास्त्र देखिए दोस्तों, दरबारी के स्वर देखिए। सारे गा पा गा पा मगर सानी नी सा सानी रे। ऋषभ वादी स्वर है दरबारी का, बता रहा हूँ। मिश्र भैरवी और किरवानी क्यों नहीं है, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये मिश्र भैरवी और किरवानी क्यों नहीं है। आप देख लीजिए, गदानी कोमल चल रहा है और हमें ये ऋषभ पर न्यास, ऋषभ की पुनरावृत्ति भी देखने को मिलती है, जो कि दरबारी कानड़ा का सूचक है। अब देखिए। सारे गा पा गा पा मगरे सानी नी सा सानी रे, सारे गरे सा सारे रे मरे नी धनी प ध सा नी रे सा। अब धनी प, अब ये धनी प, ये दरबारी में आता है कि नहीं आता दोस्तों? तो धनी प ध सा नी रे सा सारे गा पा गा पा। अब आप देखिए, इंटरलूड भी दरबारी पर आधारित है। तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। तो ये राग दरबारी का प्रयोग मिस्टर एक्स इन बॉम्बे किशोरदा साहब की आवाज़ थी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की अविस्मरणीय रचना थी। रफ़ी साहब की आवाज़ को अमर बनाने का श्रेय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब को काफ़ी हद तक जाता है दोस्तों। अभी जो मैं रचना ले रहा हूँ दोस्तों, मूवी थी दो रास्ते 1969, ताल कैरवा पर आधारित है और जो राग यूज़ हुई है दोस्तों
राग काफी हमारी आश्रय राग है दोस्तों। सा रे गा कोमल मा प ध शुद्ध नि सा नि ध प म ग रे सा। दो रास्ते मूवी की जैसे ही मैंने जिक्र किया आप सब पहचान गए होंगे। ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अब आप देखिए वादी स्वर इसका पंचम है और सा रे गा मा प ग रे सा रे मा मा प। मैं आश्रय राग पर दोस्तों आपको खूब सारे लेक्चर दे चुका हूँ, ये लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, लिंक इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहरहाल मैं बताता हूँ राग काफी पर आधारित ये गाना क्यों है। सा प प ध मा मा सा मा मा प मा प मा ग रे सा 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 रे रे सा क ग ग रे रे सा क ग ग रे रे सा 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 रे रे सा मा मा प मा ग मा प मा ग ग ग ग रे रे सा 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 सा। जो ये आंखें शर्म से, अब देख लीजिए दैवत शुद्ध लग रहा है जो कि काफी का सूचक है। पा 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 धा पा 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 पा। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी सारी। अब पापा जो कि वादी सुर है काफी का पंचम। पापा सारी बातें यही बस रह जाएंगी। अब देखिए चुप रहना ये अफसाना। गंधार का शुद्ध प्रयोग, मतलब शुद्ध गंधार का प्रयोग जो कि हमें काफी में देखने को मिलता है, जिस प्रकार हमीर छाया नट ऐसी रागों में कोमल निषाद का प्रयोग या फिर बिहाग में तीव्र मध्यम का प्रयोग, वैसे ही काफी में शुद्ध गंधार का प्रयोग प्यारे लाल साहब ने किया है दोस्तों इस कंपोजिशन में। देखिए चुप रहना ये अफसाना मागमा कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब को ही सुन सुन कर हम जी रहे हैं दोस्तों। उनकी रचनाओं की कदर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर उनकी ग्रेटनेस को आपको महसूस करना है, उनको सीखना है आपको। चौथी रचना की तरफ लेके चल रहा हूँ दोस्तों। 1972 में मूवी थी दोस्तों दास्तां, दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया ये गीत और राग जौनपुरी। ये जो आप मेरा इंट्रोडक्शन म्यूजिक सुनते हो दोस्तों, नीरे ये इसी राग पर आधारित है। लेकिन अभी जो गीत ले रहा हूँ दोस्तों मैं, आप समझ गए होंगे। न तू जमीन के लिए है न आसमान के लिए। रफी साहब ने क्या गाया देखिए। न तू जमीन के लिए है न आसमान के लिए, आप देख रहे हैं तान दोस्तों, ये जौनपुरी की तरफ इंगित करता है। बहुत लोग इसको भैरवी दरबारी बताते हैं, लेकिन मैं रागांक पद्धति को मद्देनजर रखते हुए एकदम ऑथेंटिक लेटेस्ट ज्ञान आपको दे रहा हूं। देखिएगा, बताता हूं मैं जौनपुरी का स्वरूप क्यों इस गाने में दिखता है, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की थिंकिंग थी इस कंपोजिशन में। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। अब आप जौनपुरी का स्वरूप देखिए, शाडव संपूर्ण जाति है इसकी, मतलब जाते टाइम 6 स्वर हैं, उतरते टाइम 7 स्वर हैं। सा रे मा प द नि सा नि रे नि ध नि द प ध मा प ग रे मा मा प ग
गधनी कोमल इसलिए आसावरी थाट है। सर मा प द नी सा नी ध प म ग रे सा। चलन रे मा प ध मा प ग रे रे मा प ध नी ध प ध मा प द नी सा नी रे नी ध नी ध प ध मा प। अब देखिए ग ग ग ग रे सा सा नी सा रे नी ध प अब रे नी ध प तेरा वजूद है तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। अब आप देख लीजिए प ब ध नी सा नी सा नी नी रे सा सा रे सा नी नी ध। अब है यहाँ पे शुद्ध देवत लगता है जिससे मिश्र जौनपुरी जरूर होती है। नी ध सा नी ध प मा मा प ध नी सा नी ध प प प प ध नी सा नी सा नी नी रे सा सा रे सा नी नी ध सा नी ध प मा मा प ध नी सा नी ध प प। संवादी सुर देवत है दोस्तों, संवादी कोमल गंधार है। इस कारण से देखिए ये कंपोजिशन लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जौनपुरी राग में की। अब इसका अंतरा भी आप लगे तो दोस्तों देख लीजिए पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा। अब देखिए क्या ये जौनपुरी दिखती है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताओ क्या होगा। वो शाख ही न रही जो थी आशियां के लिए तेरा वजूद है तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए न तू जमीन के लिए है न आसमां के लिए। तो ये चौथी कंपोजिशन मैंने आपको बताई। चलिए दोस्तों लेके चलता हूँ एक दूजे के लिए मूवी में। एक गीत था दोस्तों राग शिवरंजनी पर आधारित था। जी हाँ तेरे मेरे बीच में देखिए अब राग शिवरंजनी सा रे ग प ध सा द प ग रे सा। बहुत बार जिक्र कर चुका हूँ दोस्तों, चाहे मदन मोहन साहब के लेक्चर हों चाहे किशोर कुमार साहब के लेक्चर्स हों, राग शिवरंजनी पर हर एक सिंगर ने बहुत ही बखूबी कंपोजिशंस गाई हैं। अभी ये जो कंपोजिशन है दोस्तों SP बाला सुब्रमण्यम साहब और लता जी ने क्या बखूबी इस गीत को अमर बनाया है। देखिए तेरे मेरे बीच में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना कैसा है ये बंधन अनजाना मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। अब देखिए पा 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 धा धा पा 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 भोपाली में गंधार कोमल कर दीजिए ये राग आपको मिलेगी और उसके साथ शुद्ध गंधार एज अ विवादी प्रयोग हमें वो देखने को मिलता ही है। पा 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 धा धा सा धा पा 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 धा धा सा धा पा पा धा ग रे सा पा 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 धा धा पा 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 धा धा पा धा ग रे सा सा रे ग धा 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 रे ग धा ग रे सा पा 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 धा धा पा धा ग रे ग रे ग रे ग रे सा धा रे सा सा अंजा। आप
देखिए सागरेगा, दोनों गंधार का प्रयोग जो कि शिवरंजनी में और चमत्कारिकता लाता है। अंजाना एक डोर कीजे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर कीजे दूजा दौड़ा चलाए, अच्छे धागे में पता चलाए, ऐसे जैसे कोई ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन शिवरंजनी में। दोस्तों शिव का रंजन करते हुए खो जाता हूँ और आपका चित्त को रंजन करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए और ज्ञान का वर्धन करने के लिए इसी प्रकार के लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ, तत्पर रहूँ और आपकी संगीत में सेवा में आता रहूँ। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और आपके कौन से फेवरेट सॉन्ग्स हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के आज 3 सितंबर के इस गज़ब के दिन जब हम 81st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्यारेलाल साहब का। So I salute to all his compositions and thank you so much for watching this video. Om Shanti.